लंदन की नौकरी छोड़कर बनी आईएएस, बिना कोचिंग की तैयारी पहली बार में ही क्रैक की यूपीएससी परीक्षा। आईएएस दिव्या मित्तल मिर्जापुर की डीएम बनने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण की वीसी, यूपीएसआईडीए की ज्वाइंट एमडी, सीओ गोंडा और एसडीएम मेरठ और सीतापुर के पदों पर भी तैनात रह चुकी हैं। दिव्या को एलबीएसएनएए में आईएएस की 2 साल की ट्रेनिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रोबेशनर को दिए जाने वाले अशोक बम्बा वाले पुरस्कार से सम्मानित की गयी थी। आईएएस दिव्या मित्तल मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने स्कूलिंग से बीटेक तक की पढ़ाई दिल्ली में ही की। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है, इसके बाद आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए किया। दिव्या मित्तल के आईएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा कोई और नहीं बल्कि उनके पति गगनदीप सिंह हैं। आईएएस दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। दोनों ने शादी के बाद साथ में ही लंदन में नौकरी ज्वाइन की। दिव्या बताती है कि विदेश में बहुत पैसा था, लेकिन उन लोगों का मन नहीं लग रहा था। दोनों लोग नौकरी छोड़कर वापस भारत आ गए और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस जोड़ी ने भारत आकर आईएएस की कोई कोचिंग ज्वाइन करने की बजाय सेल्फ स्टडी शुरू की। गगनदीप सिंह साल 2011 में आईएएस बन गए। इसके बाद दिव्या मित्तल का भी 2012 में सिलेक्शन हुआ और वह आईपीएस बन गईं। उन्हें गुजरात कैडर मिला। ट्रेनिंग चल ही रही थी कि 2013 में वह आईएएस बन गईं। आईएएस दिव्या मित्तल और उनके पति गगनदीप सिंह ने बिना कोचिंग के ही यूपीएससी की तैयारी की। दिव्या मित्तल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया। उनके पति गगनदीप सिंह आईएएस एलाइड में भारत सरकार की सेवा में कानपुर में पोस्टेड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।